आतिश सिंह जी को शायद ज्ञान नहीं है कि जो जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल के अंदर किसी भी मुजरिम को एक सप्ताह में आधा आधा घंटे के लिए दो बार टाइम दिया जाता है, हार्डली चार बार टाइम दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी जेल से अगर मुख्यमंत्री रहते हुए सिस्टम को चलाना चाहते हैं तो किस प्रकार से दिल्ली की समस्याओं का समाधान होंगे? ये दिल्ली वासियों के साथ धोखा है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। जहां तक टेलीफोन गुम करने की बात प्रवर्तन निदेशालय के लोग कह रहे हैं, 170 टेलीफोन पहले डिस्ट्रॉय किए, मनीष सिसोदिया ने कन्फेस किया है, उसने माना है। तो इसीलिए आतिशी जी थोड़ा ज्ञान वर्धन कर लें, अगर तुम्हारे को ज्ञान नहीं है तो उसके बाद टिप्पणी करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि वो कह रहे हैं कि हम संघर्ष करेंगे, लोकतंत्र में संघर्ष करना सबका अधिकार है, संघर्ष करिए, लेकिन संघर्ष किस चीज के लिए करोगे? दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली की जनता की समस्याओं के लिए, या केजरीवाल साहब को बचाए रखने के लिए? संघर्ष में डिफरेंट है। केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, कोई बेगुनाह नहीं है वो। और जब हमारे देश के पीएमएल जो लॉ है, वो जो बना हुआ है, उसके तहत एजेंसियों को जांच करने का अधिकार है, तो वो अधिकार, जांच करने का अधिकार है, तो भले वो कन्विक्टेड शो ना हो, जब तक सबूतों को डिस्ट्रॉय ना कर दे वो जेल के अंदर रहेंगे ही। ये लीगली कानूनन प्रवर्तन निदेशालय का अधिकार है। दुर्भाग्य है कि लोग अपनी गिरबान में झांकते नहीं है। राणावत को अगर टिकट मिली है मंडी से, तो कांग्रेस पूछ रही है कि उनको आटे दाल का क्या मालूम है? राहुल गांधी को आटे दाल का मालूम है? आलू राहुल गांधी ने कहां पैदा किए थे? हम आलू की फैक्ट्री लगाएंगे किसने बोला था? तो जिनकी सोच और जिनकी मानसिकता जैसी है, उनको दूसरे भी यही नजर आते हैं। कंगना जी एक साधारण परिवार की बेटी है, और साधारण परिवार की बेटी ने ही अपने आप को बढ़ाते हुए और फिल्म इंडस्ट्री तक ले जाकर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। और जो साधारण परिवार की बेटी वहां तक गई है, तो उसको आटे दाल का मालूम है। ये आप अपने गिरबान में देखो, या राहुल से ज्ञान ले लो कि आलू फैक्ट्री में बनते हैं या खेत में पैदा होते हैं। या राहुल जी के सामने को फसल लेकर चले जाए, किसी फसल को बता दें, तो कांग्रेस कभी भी अपनी गिरबान में झांकती नहीं है, दूसरे पर टिप्पणी करती है।